इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार दौर जारी है। आज राजस्थान के कोटा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहते हुए कहा कि ओम बिड़ला को मिलने वाला वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमले बोले और कहा कि आरक्षण को लेकर राहुल बाबा भ्रम फैला रहे हैं। गांधी परिवार के लोग छुट्टियां मनाने विदेश में जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच जाकर छुट्टियां मनाते हैं। फर्क साफ है, देशवासियों को देशभक्त चाहिए या फिर आतंकवाद को समर्थन देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता चाहिए। उन्होंने आतंकवाद पर भी बोलते हुए कहा कि 10 साल में आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया है। इस दौरान उन्होंने बोला कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को बीजेपी देश का सबसे आदर्श लोकसभा सीट बनाएगी। शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, कोटा बूंदी वालों की आवाज को क्या हो गया है? देखो 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिरला साहब को फिर से एमपी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाओ दोनों हाथ, तीनों पंडाल में हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। सबसे पहले पपलाज माता, फालूदी मां, गोपरनाथ महादेव, गराड़िया महादेव और भगवान परशुराम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आज उस नगरी में आया हूं जिस नगरी का गौरव पूरे देश के अंदर शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे विद्यार्थी अपने जीवन की कैरियर बनाने के लिए कोटा के अंदर आते हैं। मुझे बरोबर याद है जब कोरोना काल था, सभी देश के माता पिता का बड़ी चिंता थी कि हमारे बच्चों को क्या होगा, लॉकडाउन हो गया था। मगर कोटा वालों, आपने सांसद ऐसा चुना था, लॉकडाउन होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनें लगाकर बच्चों को अपने अपने घर पे ले जाने का काम हमारे ओम बिल्डा ने किया। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर दयाल सक्सेना जी और पुलवामा हमले में शहीद हुए भाई हेमराज मीणा को भी सम्मान के साथ आज याद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने दो विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23-23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है
जो 20-20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, दूसरी ओर 23 साल के करियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाई और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं ना कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और ये थाईलैंड जाने वाले छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। एक और अपने कौवत राष्ट्रभक्ति परिश्रम और कुशलता के कारण दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व बनने वाला नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर परिवारवाद के कारण आए हुए राहुल बाबा है। ये लोगों के बीच में आपको पसंदगी करनी है। कोटा वालों मुझे बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे, और जोर से बोलो किसको करोगे। अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना है। कोटा बूंदी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से बोलो आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो बटन कहां दबाना है? भाई और बहनों, राजस्थान की 25 की 25 सीट पर कमल खिलाना है। अभी अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ, किसी को बताना मत, मगर हां एडवांस में बता देता हूं। बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। परंतु यहां से पूरा नहीं होता, 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है। कोटा बूंदी वालों को, भाई और बहनों, मैं बिरला जी को बहुत सालों से जानता हूं। हमने संगठन का भी काम साथ में किया, संसद में हमारे स्पीकर साहब थे। इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे बिरला जी ने किया। बिरला जी के प्रयासों से कोटा को एयरपोर्ट की सहूलियत मिली है, हिंडोली में मेडिकल कॉलेज बना है, कोटा में अलग से नर्सिंग कॉलेज बना है और अस्पताल को बड़ा बनाकर विश्व कक्षा का 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी चालू है। कोटा वालों, बूंदी में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू है। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया हूं, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का घर बन जाता।
नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 5 साल तक गहलोत की सरकार रही, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार बनाई, 3 ही महीने में हमने एग्रीमेंट कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई और बहनों, ये कहते हैं ईआरसीपी का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलेगा, इनका मत साथ सुनना, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले। मैं आपको कहकर जाता हूं कोटा बूंदी वालों, ये मोदी का गारंटी है, हर गांव, हर दाणी, हर खेत में ईआरसीपी का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, लोगों को छोड़िए, हमने तो पशुओं की भी चिंता की, सारे पशुओं को राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों रुपया लगाकर टीका लगाने का काम किया और देश में नई 2 लाख डेयरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा के विकास को गति देने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा का रेलवे स्टेशन नया बनने वाला है, भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रामगंज मंडी स्टेशन को भी फिर से नया बनाने का काम हमारे बिल्ला साहब कर रहे हैं। परवन बृहद सिंचाई योजना, झालावाड़ 12 और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नक्श सागर झील और जेत सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेलपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है और कोटा की साड़ी और कोटा स्टोन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना, ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है, इसमें क्या नई बात है? आपने 2-2 बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया हूं। बताऊं क्या कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहाया है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? इस 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को
अनारस बच्चे की तरह लेकर बैठी थी। वोट बैंक से डर रहे थे, वोट बैंक से डरे। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, हमारे बिल्डा जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर। धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त करकर देश को सुरक्षित किया है, नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई, जरा बोलो। धारा 370 हटाई इसलिए वोट देना है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं राम मंदिर में बनाने का। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरोद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे सारे श्रद्धा केंद्र मोदी जी ने पुनः जागरूक किया है। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, आपने क्या किया? मोनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते थे, उफ। कोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से आतंकवादियों ने गलती की, उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को शिक्षित किया है और मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। भाई और बहनों, हम बचपन से सुनते थे, माँ लोरी गाती थी, चंदा मामा दूर के, अब ये लोरी नहीं गा पाएगी माता है, बच्चियां नहीं गा पाएगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर चंदा मामा को नजदीक लाने का काम कर दिया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो भारत का तिरंगा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने का काम किया है। भाई और बहनों,
और सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की, जिसके लिए पूरे देश ने उनको वोट देना है, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। 87 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 3 लाख लखपति दीदी बनाए, 51 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा समाप्त कर दिया, 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, राजस्थान में 4,38,00,000 गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन देने का काम किया, और 74 लाख माताओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया, और 32 लाख लोगों को आवास देने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैं एक गहलोत साहब को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने क्या किया, हिसाब लेकर आओ जरा कोटा बूंदी में। गहलोत जी, गहलोत जी नहीं आएंगे, पूरा राजस्थान छोड़कर अपने बेटे को जिताने में पड़ गए हैं, बेटे को जिताने में वो नहीं आ सकते। मगर मैं बताता हूं, इतने सालों तक गरीबी हटाओ के नारे से वोट लिया, गरीबों का कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता है, वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा, ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया, हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी, हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त कर दिया, हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया, हमें बहुमत मिला, हम हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। और भाई, कोई माता ताली नहीं बजाएगी, सिर्फ भाइयों ने ताली बजानी है। हमें बहुमत दिया तो माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने बहुमत का उपयोग गरीबी को हटाने के लिए किया, देश को सुरक्षित बनाने के लिए किया। हमने बहुमत का उपयोग अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर लाने के लिए किया। और राहुल बाबा, झूठ मत फैलाओ, कान खोल कर सुन लो, कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण हटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे, ये मोदी का गारंटी। ये झूठ फैला रहे भाई और बहनों, इन्होंने इस देश में झूठ फैलाने का काम किया है। और ओबीसी का तो सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है तो कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट को गायब कर दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल नहीं किया। जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई, राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक विरोध में भाषण किया और मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के सभी केंद्रीय इंस्टीट्यूट में
हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं और देश का इतना बड़ा नेता बना है, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। राहुल बाबा, मैं आज आपको कहने आया हूं, आपको कुछ मालूम नहीं है, विश्वकर्मा की जातियां, छोटी छोटी जातियां, मेरे लुहार भाई, सुथार भाई, दर्जी भाई, कारपेंटर का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, मछली पकड़ने की जाली बनाने वाले, इनके लिए अब तक देश में कोई योजना नहीं लाया था। मोदी जी ने 13,000 करोड़ खर्च कर ये सभी को स्वरोजगारी और स्किल डेवलपमेंट का काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, दो खेमे पड़े, एक खेमा भारत के इतिहास को झुठलाने वाला है और दूसरा खेमा हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म का सम्मान करने वाला है, देश का गौरव बढ़ाने वाला है, देश को टॉप पर पहुंचाने वाला है। मैं आपको बताने आया हूं, ओम बिरला को जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, पांचवें नंबर पर लाए हैं देश के अर्थतंत्र को, संसार में तीसरे नंबर का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। माताओं, भाइयों और बहनों, ये माताएं मटकी लेने जाती है तो मटकी पर टकोरा लगाते हैं नहीं लगाते हैं? आप लोग जरा जोर से बोलो भाई, लगाते हो नहीं लगाते हो? तो 200 रुपये की मटकी के लिए टकोरा लगाते हो? देश का खजाना किसको सौंपना है उसका निर्णय करना है। ध्यान से टकोरा लगाओगे? जरा जोर से बोलो, लगाओगे? दो लोग हैं, राहुल बाबा और नरेंद्र मोदी, किसको पसंद करोगे? जोर से बोलो, किसको करोगे? मोदी जी को पसंद करते हो तो ओम बिरला जी के नाम पर, कमल के निशान पर बटन दबाना है, दबाओगे? देखो भाई, कोटा बूंदी वालों, बटन ऐसे वैसे नहीं दबाना है, बटन तो आप कोटा बूंदी में दबाना, कमल के निशान पर, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे। पक्का करोगे? बिरला साहब आ गया, ये आप आ गया, ये बिरला साहब, हमारे बिरला जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, 400 पार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, बिरला जी को संसद में भेज दीजिए, कोटा बूंदी को हम देश का एक नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। भाइयों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।